तो लॉकडाउन में एक डर्टी बल्क करने के बाद मैंने फाइनली अपने फैट लॉस जर्नी की शुरुआत की, और उस सारे स्टबन फैट को हटाने के बाद मुझे इतना तो आइडिया लग गया है कि हमारी फैट लॉस जर्नी में हमारी डाइट का कितना मेजर रोल होता है। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम एक हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करें ताकि हम उस सारे फैट को कट करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा मसल रिटेन कर पाए। सो ये वीडियो एक फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो होने वाली है फॉर फैट लॉस, वो भी एक प्योर वेजिटेशन, जिसमें हम पूरे दिन में ऑलमोस्ट 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन का गोल हिट करेंगे। मैं आपके साथ काफी टेस्टी और इजी टू प्रिपेयर मील शेयर करूंगा उनकी रेसिपीज के साथ, ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उन्हें अपनी डाइट में ऐड कर पाओ। एंड आई मेड श्योर ये सारे मील्स आपको काफी कम कैलोरीज में लंबे टाइम के लिए फिल कर दें, जिससे आपको अपनी फैट लॉस जर्नी में कंसिस्टेंट रहने में हेल्प मिले। और सारे मील्स के मैक्रोस मैं उनके एंड में मेंशन कर दूंगा। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे मील नंबर 1 पर इन द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, एंड जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि मैं काफी टाइम से मॉर्निंग्स में वर्कआउट जा रहा हूँ। एंड आई नो काफी लोगों का डाउट भी होता है कि मॉर्निंग वर्कआउट्स में फैट लॉस के वक्त या फास्टेड कार्डियो या वर्कआउट एक बेटर ऑप्शन रहेगा अपने वर्कआउट से पहले कुछ खाकर जाने से। सो मैं बता दूं भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है कि फैट लॉस में खाली पेट कार्डियो या वर्कआउट करने से ही आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। भाइयों, आपकी सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन की कैलोरीज ही मैटर करती हैं। फास्टेड रहने से आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाले, बल्कि इससे आपकी जिम की परफॉर्मेंस ही हैम्पर होगी। सो इट्स बेटर कि आप सुबह एक क्विक और छोटा प्री वर्कआउट मील खाकर जाओ, जो जल्दी डाइजेस्ट होकर आपको क्विक एनर्जी प्रोवाइड करे, जिसका बेस्ट ऑप्शन है एक बनाना। आप अपने वर्कआउट से मिनिमम हाफ एन आवर पहले एक बनाना खाकर जा सकते हो, जो आपको क्विकली डाइजेस्ट होकर एनर्जी प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग योर वर्कआउट्स। सो यार, बनाना एक काफी अच्छा ऑप्शन है एंड इसके मैक्रोस हैं ये। एंड देखो, अब हम हो रहे हैं हल्का जिम के लिए लेट। सो चलो फटाफट एक प्यारा और क्विक पुश सेशन लगा के मिलते हैं, जिसके बाद हम लेंगे हमारा ऑफिशियल मील नंबर 1, व्हिच इज आल्सो माय फेवरेट मील ऑफ द डे। सो चलो जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। Been on the move for a long time, fighting with the man on my shoulder. I was dealing with self-doubt. All my life I've been the fucking underdog. Used to wonder how these niggas got it all. I was getting one play a day, now I got a couple thousand on my catalog. See through your niggas, no ultrasound. Schooling motherfuckers, you a class clown. You was talking shit, where you at now? Everybody play the tough guy till his man down. Dancing with the devil, Lucy, who was in the function? Didn't really have an option. See more tears than an onion. I was following my passion, probably die for the shit. Probably come and get the bust. My patience, I waited my turn. Can't collect everything that I earn. Built a few bridges, but some gotta burn. They keep talking down like, but when you gonna learn? Been on the come up for some time now. People I can trust is hard to find now. Swear to God, there's so much on my mind now. Coming for the word, that bitch is mine now. You don't want it with me on a bad day. Gonna take off on the runway. Always on my job, working hard, treated every single day like it's Monday. Started from the bottom, bitch, I'm still here. Gunning for the top, will I make it there? वॉट अ वर्कआउट। ऑल्सो फैट लॉस में लोगों का काफी कॉमन डाउट होता है कि हमें कार्डियो बिफोर द वर्कआउट करना चाहिए या आफ्टर द वर्कआउट। सो प्लीज ऑलवेज डू योर कार्डियो आफ्टर योर वर्कआउट। कार्डियो वर्कआउट से पहले करने से आपकी परफॉर्मेंस और वर्कआउट इंटेंसिटी दोनों इफेक्ट करेगी, विच विल ऑल्सो लीड टू मसल लॉस। मैं खुद अपने फैट लॉस फेज में ट्रेडमिल या साइकिलिंग करता था, बट ऑलवेज आफ्टर माई वर्कआउट, जिससे मेरे वर्कआउट भी इफेक्ट नहीं करते थे। सो डू कीप दिस इन माइंड। अब मुझे लग रही गंदी भूख, तो चलो घर पर मिलते हैं हमारे ऑफिशियल मील नंबर 1 के साथ। चलो मील नंबर 1 के लिए है मेरे फेवरेट ओवरनाइट ओट्स, जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, लव यू, उन्हें पता ही है कि मुझे कितने पसंद है। इन्हें मैं सोने से पहले प्रिपेयर करके ओवरनाइट फ्रिज में स्टोर करके सुबह खाता हूँ आफ्टर माय वर्कआउट्स। ये काफी टेस्टी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली काफी हाई इन प्रोटीन मील है, जिसे प्रिपेयर करना भी काफी सिंपल और ईजी है। इसकी रेसिपी पे मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, बट चलो क्विकली आपको एक आइडिया दे देता हूँ। सो फर्स्ट एक बोल में हम लेंगे 60 ग्राम्स ऑफ ओट्स, यहाँ मैं क्विकर ओट्स यूज कर रहा हूँ। एंड देन हम लेंगे 1 बनाना, जिसके हम काफी छोटे छोटे पीसेस करके अपने बॉल में ले लेंगे, ताकि हर बाइट में हमें उस सॉफ्ट बनाना का टेस्ट मिलता रहे। एंड देन हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी, एंड उसके बाद 60 ml ऑफ मिल्क। अब देखो, क्योंकि हमारा गोल फैट लॉस है, सो इट्स बेटर कि हम मिल्क में हमारी वो एक्स्ट्रा कैलोरीज वेस्ट ना करें। सो हम सिर्फ अपने ओट्स के टेस्ट और टेक्सचर के लिए 60 ml ऑफ मिल्क डालेंगे। यहाँ मैं करंटली अमूल का डबल टोन्ड मिल्क यूज कर रहा हूँ। देन अच्छे से मिक्स करने के लिए आप फिर से थोड़ा पानी ऐड कर लेना। मैं खुद शुरुआत में थोड़ा कम पानी डालता हूँ, एंड देन मिल्क के बाद आइडिया से थोड़ा पानी ऐड कर लेता हूँ, जिससे अच्छे से मिक्स हो पाए। एंड देन हम इसमें लेंगे 1 scoop of whey protein, and यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ मसल ब्लेस का ट्रिपल चॉकलेट वे प्रोटीन, जो फ्रेंकली मेरा फेवरेट फ्लेवर है। एंड देन आफ्टर दैट इसमें मैं थोड़ा कोको पाउडर एंड 1 sachet ऑफ कॉफी डालता हूँ, विच गोज रियली वेल टुगेदर, बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। सो इस सबके बाद इसे हम कर देंगे अच्छे से मिक्स, एंड देन एक लेड या प्लेट से कवर करके हम इसे ओवरनाइट स्टोर कर देंगे हमारे फ्रिज में। मैं तो सुबह उठते ही इसे फ्रिज से निकाल देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सेटल हो जाए, ताकि मैं फिर इसे मस्त वर्कआउट से आने के बाद एंजॉय कर पाऊँ।
एंड फ्रेंकली यही बेस्ट बात है इस रेसिपी की, इससे सुबह आपका काफी टाइम सेव होगा क्योंकि उस टाइम हमें कुछ प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। आप इसे सुबह माइक्रोवेव या पैन में भी कुक करके खा सकते हो, उस पर भी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी, बट मुझे पर्सनली ये ओवरनाइट ओट्स वाली रेसिपी ज्यादा पसंद है। एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट आप अपने मील्स को एंजॉय करो, क्योंकि काफी लोग अपनी डाइट और मील्स को बिल्कुल एंजॉय नहीं करते एंड यही रीजन है उनका अपनी फैट लॉस जर्नी में कंसिस्टेंट ना रहने का। सो अगर आपने ये रेसिपी कभी ट्राई नहीं की है सो डू गिव इट अ ट्राई, ट्रस्ट मी यू विल नेवर लुक बैक, आई शपथ। ऑल्सो मैं पहले सुबह सुबह एक शेक बनाकर पिया करता था, बट देन मुझे थोड़ा फ्रीक्वेंटली भूख लगने लग जाती थी। एंड फैट लॉस में इट्स इंपॉर्टेंट कि हमारे सारे मील्स हमें लंबे टाइम के लिए फिल कर दें, सो इसलिए अवॉइड कंज्यूमिंग लिक्विड कैलोरीज लाइक शेक्स एंड स्मूदीज व्हाइल लूजिंग फैट। इंस्टेड उन्हें कुक करके खाओ ताकि आपका पेट ज्यादा टाइम तक फिल रहे और आपको कंपैरेटिवली जल्दी भूख ना लगे। सो या दिस वाज आवर मील नंबर वन, जिसके मैक्रोस हैं ये। सो मील टू के लिए हमारे पास है 200 ग्राम्स ऑफ राइस विद सोया सब्जी, जिसे प्रिपेयर करने के लिए मैंने लिए 100 ग्राम्स ऑफ रॉ सोया चंक्स। एंड देखो अगर आप एक वेजिटेरियन हो सो ट्रस्ट मी सोया आपके लिए एक गेम चेंजर चीज होने वाली है, क्योंकि सिर्फ 100 ग्राम्स ऑफ सोया से हमें इजिली 53 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, जो काफी बजट फ्रेंडली तो है ही, बट साथ ही काफी कम कैलोरीज में आपको लंबे टाइम के लिए फिल कर देगा। एंड बात रही हमारी इस टेस्टी सोया चंक रेसिपी की, सो इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है जो काफी सिंपल और इजी टू प्रिपेयर है। सो लेट्स प्रिपेयर इट। पहले वी विल टेक 100 ग्राम्स ऑफ रॉ सोया चंक्स, जिन्हें हम 5 मिनट्स के लिए बॉईल कर देंगे एंड जब तक वो ड्राई ऑफ हो रहे होंगे। दूसरी तरफ हम लेंगे एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, देन उसमें हम डालेंगे 1 ऑनियन छोटे पीसेस में कट किया हुआ, एंड जब हमारा ऑनियन हल्का ब्राउन हो जाए उसमें हम डालेंगे एक हरी मिर्च एंड देन 1/2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, देन 2 मीडियम साइज टोमेटो को अच्छे से एक मिक्सी में ग्राइंड करके उस पेस्ट को डाल दो हमारे पैन में, एंड इसे हम अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे। देन इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून ऑफ हल्दी, 1 पिंच ऑफ लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ऑफ धनिया पाउडर एंड 1 फुल टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट, एंड फॉर एक्स्ट्रा टेस्ट थोड़ी कसूरी मेथी। बाकी स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो। अब चले जाओ सोया चंक्स पर, जिनका सारा एक्सेस पानी निकालकर हम डाल देंगे हमारे उस मसाले में। इसे अच्छे से मिक्स करो एंड देन ऐड 1 कप ऑफ वाटर, इसे 3-5 मिनट्स के लिए कुक होने दो एंड देन हमारी टेस्टी सोया सब्जी हो जाएगी रेडी। अब देखो भाइयों, आई वॉज नेवर अ फैन ऑफ सोया, एक्चुअली आई हेटेड इट, क्योंकि मैंने इसे एक बार खाया था पता नहीं कैसे ही बनाकर, जो मुझे उस टाइम बिल्कुल पसंद नहीं आया। सो मुझे लगा कि ये चीज भाई मेरे लिए नहीं बनी, और फिर मेरे पास चिकन और एग्स का ऑप्शन तो था ही, सो मैंने कोई टेंशन भी नहीं ली। बट देन यार नवरात्रों के टाइम काफी प्रॉब्लम आ जाती थी, सो ताकि मेरे घर वाले मुझे घर से ना निकालें मैंने तो मजबूरी में ये रेसिपी प्रिपेयर की थी, बट ये काफी अच्छी बन गई, जिससे मेरा वो हेट वाला रिलेशनशिप, लव में तो नहीं, आई स्टिल लव चिकन मोर, बट या मैं अब आराम से इसे बिना किसी प्रॉब्लम के एंजॉय करके खा सकता हूँ। एंड मेरे सारे वेजिटेरियन भाइयों के लिए ये एक बढ़िया ऑप्शन तो है ही, बट मेरे सारे चिकन वाले भाई भी इसे ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट की फुल गारंटी। एंड जो मेरे भाई अभी सोच रहे हैं या प्यार से लिखने ही वाले हैं, अबे भाई मैन आई नो काफी लोगों का सोया से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि क्या सोया सेफ है या नहीं। सो हाँ भाई इट्स प्रीटी सेफ। मैं खुद काफी लोगों को जानता हूँ जो रेगुलर बेसिस पे सोया कंज्यूम करते आ रहे हैं, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। सो इसलिए नहीं, सोया से आपके मैन बूब्स नहीं आने वाले और आप इजिली 100-150 ग्राम ऑफ सोया रेगुलर बेसिस पे खा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड इस सब्जी का मोर देन 1/2 पोर्शन हम इस मील में लेने वाले हैं एंड बाकी का बचा हुआ पोर्शन हम आगे यूज करेंगे, जो आपको आगे पता चल जाएगा। और आप इस मील की वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इसके साथ वेजीज भी कंज्यूम कर सकते हो, लाइक कुकुम्बर, ब्रोकली या बीट रूट। फ्रेंकली अभी सब खत्म हुआ पड़ा है सो अभी बिना वेजीज के खा रहा हूँ, बट इसके साथ वेजीज जरूर खाना, बिकॉज ट्रस्ट मी आपकी फैट लॉस जर्नी में वेजीज काफी काम आने वाले हैं, जो काफी वॉल्यूम में आपको कम कैलोरीज प्रोवाइड करके आपको लंबे टाइम के लिए फिल कर देगी। सो या वेजीज को अपनी डाइट में जरूर ऐड करना। और भाई अब लिटरली मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, सो मैं करता हूँ हमारे मील को एंजॉय, और इसके मैक्रोस हैं ये। तो अब हमारे डिनर से 2-3 घंटे पहले हम लेने वाले हैं 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। ये काफी क्विक डाइजेस्टिंग प्रोटीन सोर्स है जो हमें गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड कर देगा बिना हमारी कैलोरीज को कॉम्प्रोमाइज किए। एंड ऑल्सो अगर आपको कंपैरेटिवली जल्दी भूख लग जाती है सो ये उसे भी सप्रेस कर देगा। मैं तो खुद जब कॉलेज से शाम को घर आता था सो उस वक्त मुझे घर पहुंचने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाते थे, तो भाई उस टाइम तो काफी भूख लग जाती थी। सो उस वक्त मैं सिंपली 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन पानी के साथ कंज्यूम कर लेता था, जिससे मुझे बिना कुछ बाहर का खाए और बिना अपनी कैलोरीज और डाइट को कॉम्प्रोमाइज किए क्लीन प्रोटीन मिल जाता था। एंड मुझे पास में काफी बार ये क्वेश्चन आया कि मैं कहाँ से वे प्रोटीन परचेज करता हूँ। सो देखो मैं तो काफी वक्त से मसल ब्लेज यूज करता आया हूँ एंड मैं सारे प्रोडक्ट्स उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेता हूँ, क्योंकि इट्स बेस्ट कि हम ब्रांड्स की ऑफिशियल वेबसाइट से लें या फिर किसी ऑथेंटिक जगह से। बट फिर भी कैसे पता चलेगा कि आपका वो प्रोटीन पाउडर जेन्युइन है या नहीं। सो मसल ब्लेज ने हमारी ये चीज भी काफी आसान कर दी है, जिससे आप अपने उस प्रोटीन की एक्यूरेसी घर बैठे चेक कर सकते हो इस प्रोचेक किट की हेल्प से। सिंपली बॉक्स में दिए गए सॉल्यूशन को हमारी ट्यूब में डालो जो 35 ml तक आएगा, देन सिंपली अपने उस वे प्रोटीन को 200 ml
पानी में एक शेकर में मिक्स करके हमारे उस सॉल्यूशन में डाल दो। आपको सिर्फ 10 ml डालना है जिससे 45 ml तक आ जाएगा। देन हमारी उस ट्यूब को अच्छे से बंद करके शेक कर दो। अगर आफ्टर 5-7 मिनट्स हमारे उस वे के पार्टिकल्स ऊपर आने लग जाएं, जिसे हम कर्डलिंग कहते हैं, मींस उसमें वे प्रोटीन कंटेंट है। एंड एक्यूरेसी के लिए इसे हम 18-24 आवर्स के लिए एक जगह रख देंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि जितना वो कंपनी प्रोटीन क्लेम कर रही है उतना है भी या नहीं। सोया इसकी हेल्प से आपके काफी पैसे वेस्ट होने से बच जाएंगे और आप सिर्फ 200 रुपए में अपने घर पे बैठे अपने प्रोटीन के जनन होने का पता लगा सकते हो। इसे लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक से चेकआउट करो। एंड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट यू कैन यूज माई डिस्काउंट कोड आदर्श MB एट चेकआउट। सो मील 3 के लिए था हमारा वन स्कूप ऑफ ऑथेंटिक वे। एंड अगर आप इविंग्स में जिम जाते हो सो तब आप इसके साथ एक बनाना भी खा सकते हो, जैसे मैंने मॉर्निंग्स में लिया था अपने वर्कआउट से पहले। सोया इसके बाद हम लेंगे हमारा डिनर। एंड इसके मैक्रोस हैं ये। तो बारी है हमारे मील नंबर 4 की, जो होने वाला है हमारा लास्ट मील ऑफ द डे, जिसके लिए वी हैव मूंग दाल का चीला। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ 100 ग्राम ऑफ मूंग दाल से हमें इजीली 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। एंड ट्रस्ट मी, इसे प्रिपेयर करना काफी इजी और सिंपल है। पहले हम लेंगे 120 ग्राम ऑफ मूंग दाल, जिन्हें हमने ओवरनाइट पानी में रखा था रॉ वे करके। एंड देन हमारे चीले के मिक्सचर के लिए एक जार में हम लेंगे हमारी मूंग दाल, जिसे हम एक हरी मिर्च के साथ अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देन उसमें हम 1-2 ऑनियन कट करके डाल देंगे। देन हम लेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर एंड लाल मिर्च पाउडर। एंड इसके बाद आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हो इफ यू वांट टू। एंड देन इसे अच्छे से कर दो मिक्स। अब दूसरी तरफ हम लेंगे 100 ग्राम्स ऑफ पनीर, जिसे हम अच्छे से मैश कर देंगे। एंड अब आप पनीर में अपने अकॉर्डिंग स्पाइसेस डाल सकते हो। मैं पर्सनली पिंच ऑफ सॉल्ट एंड थोड़ा पीरी पीरी मसाला एंड ओरिगैनो डालता हूं। एंड देन एक नॉन स्टिक पैन लो, देन लो हीट पे इस मिक्सचर को डाल दो हमारे पैन में। एंड जब हमारा चीला थोड़ा रेडी होने लग जाए, हम उसमें थोड़ा पनीर डाल देंगे। एंड देन उसे लिड से कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ दो। एंड उसके बाद हमारा चीला हो जाएगा रेडी। एंड इस सेम प्रोसेस से हम उस सारे मिक्सचर को यूज करके अपने चीले प्रिपेयर कर लेंगे। और अब इस मील को बिल्कुल कंप्लीट करने के लिए हम इसके साथ हमारी उस रिमेनिंग सोया सब्जी को लेंगे, जो इसे और ज्यादा फिलिंग और हाई इन प्रोटीन कर देगी। और ये काफी अच्छा ऑप्शन है फॉर डिनर, क्योंकि पनीर से हमें मिल जाता है केसीन प्रोटीन, जो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर हमारी बॉडी को पूरी रात प्रोटीन प्रोवाइड करता रहता है। ऑल्सो घर पे थोड़ी चटनी भी बनी थी तो वो भी मैंने इसके साथ ऐड कर ली, बट इट इज ऑल्सो कम्प्लीटली ऑप्शनल। सो डू ट्राई दिस रेसिपी। एंड इसके मैक्रोस हैं ये। सोया ये थी हमारी फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो फॉर फैट लॉस। एंड एट द एंड ऑफ द डे जस्ट मेक श्योर आप एक कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो, क्योंकि यार देखो कोई एक परफेक्ट डाइट या वर्कआउट प्लान नाम की चीज नहीं होती। सबकी कैलोरी रिक्वायरमेंट उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग होती है। जस्ट मेक श्योर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम करो। एंड अगर आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का कोई आइडिया नहीं, सो सिंपली एक मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर की हेल्प से अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो। एंड देन सिंपली उस नंबर से 200-300 कैलोरीज कम खाने लग जाओ। लाइक सपोज आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आई 2500, सो तब आप 2200 कैलोरीज खाने से अपनी फैट लॉस जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। एंड कैलोरी कैलकुलेटर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट, एकदम से 500-600 कैलोरीज कट मत कर लेना, क्योंकि उससे आपका डेफिनेटली मसल लॉस होगा, विच वी डोंट वांट। सो जस्ट मेक श्योर आप थोड़ी थोड़ी कैलोरीज कट करके और किसी भी टाइप ऑफ कार्डियो ऐड करके अपना फैट लॉस करते जाओ। एंड ऑल्सो मेक श्योर आप अपने वेट के साथ साथ अपने फूड को भी एक किचन वेइंग स्केल की हेल्प से ट्रैक करते रहो। और आप अपनी डाइट या मैक्रोस ट्रैक या एडजस्ट करने के लिए मेरी तरह माई फिटनेस पैल नाम का ऐप यूज कर सकते हो, जिससे आप इन मील्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी डाइट में एडजस्ट कर सकते हो। सोया आई होप आपको इन रेसिपीज से हेल्प मिली। मैंने ट्राई किया कि ये सारे मील्स टेस्टी और इजी टू प्रिपेयर होने के साथ साथ आपको काफी लंबे टाइम के लिए फिल कर दें, ताकि आपको अपनी फैट लॉस जर्नी में कंसिस्टेंट रहने में हेल्प मिले। और इन सब मील्स की रेसिपीज और मैक्रोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सोया दैट्स इट। इफ यू फाउंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल और वीडियो पसंद आई सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं हर वीक इस पे फिटनेस रिलेटेड कॉन्टेंट डालता रहता हूँ। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ मैं अपनी फिटनेस और लाइफ अपडेट्स डालता रहता हूँ। डू शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड, ताकि उसे अपनी फिटनेस जर्नी में हेल्प मिले। इंडिया, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। लगी। बाय बाय।